क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानते हो जो बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसे कि सूरज पीला नहीं है, सूरज पर आग नहीं है। ये जो आप स्पेस की फिल्मों में देखते हो ना कि स्पेसशिप में एक्सप्लोजन हो जाते हैं, ये एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आपको एस्ट्रॉइड्स के खतरनाक बेल्ट्स दिखाए जाते हैं ना मूवीज में, इनमें से तो कोई छोटा बच्चा भी अपना स्पेसशिप निकाल कर ले जाए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो अपने सोलर सिस्टम की, ये भी एक झूठ है, क्योंकि आपका सोलर सिस्टम ऐसा है ही नहीं। तो इससे पहले कि तुम सोचने लगो कि गौरव भाई पागल हो गए हैं और तुम वीडियो छोड़कर भाग जाओ, ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुम यही कहोगे कि आइला मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। सूरज का असली रंग ना पीला है और ना ही नारंगी। जो तस्वीर आप ये देखते हो ना सूरज की, सूरज ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखता है। देखो बेसिकली सूरज एक स्टार है और हर स्टार के टेम्परेचर के हिसाब से उसका अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम होता है और हर अलग अलग कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो अपने सूरज का जो टेम्परेचर है और उसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर के काफी ज्यादा क्लोज है। अगर तुम नंगी आंखों से कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये असली है ये लोंडा, मेरा मतलब है बिना किसी गॉगल के सूरज को देखोगे तो ये तुमको सफेद रंग का दिखाई देगा, क्योंकि इसकी रोशनी ही इतनी ज्यादा होती है और शाम या सुबह के समय अपने अलग एंगल की वजह से ये तुमको डार्क रेड या फिर नारंगी रंग का दिखाई देता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि गौरव भाई अगर सूरज का असली रंग हरा है तो ये हमको हरा क्यों नहीं दिखाई देता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारा एनवायरमेंट, हमारा वायुमंडल, जिसकी वजह से हमको सूरज का असली रंग दिखाई नहीं देता। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर आप सूरज का असली रंग देख सकते हो और वो जगह है एंटार्क्टिका। यहाँ पर सूरज हरे रंग का दिखाई देता है। अब मैं तुमको एक बहुत मजेदार फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर सूरज का एक्चुअल रंग पीला होता तो इसकी वेवलेंथ अलग होती, इसका टेम्परेचर नॉर्मल सूरज के टेम्परेचर से 700 डिग्री सेल्सियस या करीब 800 डिग्री सेल्सियस कम होता और इसकी वजह से अर्थ जम जाती, जीवन ही नहीं होता पृथ्वी पर। तो इसका मतलब यह है कि अभी धरती पर ये जो जीवन है ना, ये सूरज के इस परफेक्ट टेम्परेचर और धरती और सूरज के बीच की परफेक्ट दूरी की वजह से ही पॉसिबल है। अब जब बात सूरज की गर्मी की निकली है, टेम्परेचर की निकली है, तो मैं आपको एक और मस्त फैक्ट बताता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सूरज पर हमेशा आग जलती रहती है, इसकी वजह से सूरज गर्मी देता है पृथ्वी को, तो ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। सूरज पर आग नहीं जलती है और सूरज पे क्या स्पेस में आग जलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बर्निंग की प्रोसेस मतलब जलने की प्रोसेस के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला फ्यूल और दूसरा ऑक्सीजन। और स्पेस में ना हवा है ना ऑक्सीजन है, तो भैया दुनिया की कोई भी चीज कितना ही खतरनाक फ्यूल हो वो जल नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि सूरज उस तरह से नहीं जल रहा जैसे कागज जलता है, बल्कि सूरज बेसिकली गैस का एक गोला है जिसके अंदर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान सूरज हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करता है और इस कन्वर्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है गामा रेज, और ये गामा रेज एनर्जी के फॉर्म में, लाइट और टेम्परेचर के फॉर्म में धरती तक पहुंचती है। तो मतलब सूरज जो है ना वो ऑक्सीजन का यूज करके नहीं जलता, वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह है। अच्छा एक और मस्त फैक्ट बताता हूं कि पूरे सोलर सिस्टम में इतनी ऑक्सीजन ही नहीं है कि सूरज को कुछ घंटों के लिए भी जला कर रख सके। अगर सूरज नॉर्मल ऑक्सीजन का यूज करके जलना चाहे तब, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रोसेस सूरज में चल रही है ना ये हमेशा चलती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज के अंदर की ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी और उस दिन सूरज जलना बंद हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि सूरज मर जाएगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, अभी 5 अरब सालों तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मूवीज में जैसे ये स्पेसशिप के वॉर दिखाए जाते हैं, स्पेस के अंदर बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स दिखाए जाते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं। जब सूरज नहीं जल पा रहा है तो भाई ये स्पेसशिप में धमाके कहां से होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, ये बड़े बड़े एस्ट्रॉइड के बेल्ट्स जिनमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स स्पेसशिप की तरफ आते हैं, स्पेसशिप से टकराते हैं और शिप तबाह हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्चुअल में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होते हैं ना उनमें दो एस्ट्रॉइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड बेल्ट में दो एस्ट्रॉइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेटली 9 लाख किलोमीटर। मतलब सोच रहे हो दो एस्ट्रॉइड के बीच 9 लाख किलोमीटर की दूरी है, इनके बीच में से शिप निकालना तो बच्चों का खेल है। तो फिल्मों में ये जो जैसा दिखाया जाता है ना कि स्पेसशिप को ऐसे 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 उड़ा रहे हैं, ये सब एक्चुअली में होता ही नहीं है। मतलब अगर आपको स्पेसशिप दे दिया जाए ना तो भी आप इसे आराम से उड़ा सकते हो
और आपका स्पेसशिप किसी भी एस्ट्रॉइड से नहीं टकराएगा जब तक कि आप खुद जाकर एस्ट्रॉइड में ना घुस जाओ। मतलब तुम खुद सोच के देखो कि फिल्मों में कितना झूठ दिखाया जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, लेकिन ये केवल हमारी इमेजिनेशन है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है, ये इतना स्टेबल नहीं है और ना ही सूरज के चारों तरफ ये ग्रह ऐसे घूमते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी प्लेनेट सूरज का चक्कर नहीं लगाता है। एक्चुअली में आपका सोलर सिस्टम ऐसा दिखता है, ये 220 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है और ये मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे का एक चक्कर आने में 230 मिलियन साल का समय लगता है। मतलब सोच रहे हो आपका सोलर सिस्टम 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है और आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो भैया जिन लोगों को शिकायत रहती है कि हम लोग हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, उनको ये फैक्ट बताना कि तुम घर में बैठे बैठे भी 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम लेते हो, वो तो तुमको पता नहीं चलता, ये अलग बात है। चलो अब आपका एक और मिथ दूर कर देते हैं कि सूरज के चारों तरफ ये सारे ग्रह घूमते हैं। तो हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे सौर मंडल का कोई भी ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाता, ये एक सेंटर का चक्कर लगाते हैं। सेंटर का नाम है बेरी सेंटर। अब हर प्लेनेट के लिए ये सेंटर पॉइंट अलग अलग होता है। धरती के लिए ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सूरज के सेंटर से बिल्कुल करीब है, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जुपिटर की, तो जुपिटर के लिए ये जो सेंटर है ना, बेरी सेंटर, ये सन के सेंटर से 55,000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए सारे प्लेनेट्स अलग अलग पाथ में रोटेट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आप लोगों को ये चीज पता होगी कि हमारी धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, ये जैसा कि आपको दिखाया जाता है, जैसा आपको ग्लोब में बताया जाता है। एक्चुअली हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती है, ये एक इररेगुलरली शेप्ड इलिप्सॉइड है। भैया आई थिंक आज के वीडियो को देखने के बाद स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि ये हॉलीवुड वाले हम लोगों को कितना उल्लू बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल उल्लू नहीं बनाता, इसलिए भैया इस वीडियो पर 100,000 लाइक्स तो बनते हैं, नहीं 100,000 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 100,000 तो व्यूज ही आते हैं यार, तुम 10,000 लाइक कर देना यार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो गौरव कटारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।